हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग। कैसे हो आप सब? सो भैया, आज है माता रानी का दिन, तो सबसे पहले सबको हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं उठी हूँ भाई आज थोड़ा सा लेट। मेरे को जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि ना रात को यार नींद नहीं आई थी। बहुत देर तक मैं ट्राई करती रही सोने का, लेकिन ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए ना नींद आई नहीं। लेकिन मेरे उठने से पहले ना आज करण ने कर दिया सारा काम, तो इस चीज़ की ना मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो अब मुझे सिर्फ नहाना है और करनी पूजा, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। और अभी मेरे को बस बनाना है खाना, और उसके बाद करण ने लाएगा ब्रूनो को, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज ब्रूनो आज यहाँ घर पे कैसे नहाता है। ये देखो भाई, ये नहा रहा है बुनू बुनू। ये देखो आज ये घर पे नहा रहा है बुनू। ओए मुनू, मजा आ रहा है ना? ये सिर्फ बालों में ही मोटा लगता है, और ये देखो कैसे नहा रहा है बुनू। बुनू तो कैसे नहाने कर रहा है। और ये रहा ब्रूनू का ब्रश, ये थी ब्रूनू की टूथपेस्ट। ब्रश का है ब्रूनू का, ब्रश नहीं है ना, टू साइड। ये रहा ब्रूनू का ब्रश, इतना बड़ा भाई साहब, टू साइड से है ये। हाय ब्रूनू, पहले तो डरता है लेकिन जब नहाने लग जाता है तो इसको बड़ा मजा आता है। इसको पापा नहला रहे हैं। ये देखो कैसे, ये देखो उन्हें मजा आ रहा है नहाने कल के। अभी नहाने के बाद बहुत खुश होएगा। बुनो यहाँ बैठ जा बेटा, यहाँ बैठ जा, दो मिनट बुनो खाएगा अभी खाना। बुनो क्या खा रहा है? बुनी बुनी ये खा रहा है। मैं तो अभी चाय रख के भूल गई ऊपर। हाँ। और भाई ये है मथुरा के खास पेड़े, ये वहाँ से मंगाए हैं, अभी हम खोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक दो तो खाई लूँ। ये खाएंगे, लो भाई आप भी खा लो एक एक, एक आध तो खाई लो। ये वाह, अभी ये बाहर रखा है तो इसमें ना एकदम ये जमा हुआ नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगता है ऐसे ही। वाह मजा आ गया। बुनू बुनू बैठे यहाँ पे, मेरे को भी कुछ मिल जाए। बुनू को हम देंगे नहीं, लेकिन है ना बुनू ने कल आइसक्रीम खाई थी। ये बुनू, बुनू खेल रहा है इससे। बुनू ने ये सारा खराब कर दिया है। ये बुनू भी इतना ही बड़ा है, और बुनू से बड़ा ये हमारा कछुआ है। बुनू तो ये क्या कर रहा है? ये ए अभी देखो, ओ मार्केट कर ले कर ये अभी कूदे। ओ आ जाएगा, रे जाएगा। हां यहां से इसने ये फाड़ दिया ना, ये देख रहे क्या बना तूने इसका, क्या बना दे तूने इसका, देख कितनी पकड़ रहा है उसको कि छोड़ूंगा नहीं। ये बुनू खेल रहा है माँ के पैरों में, खुश हो रहा है। कितना खुश हो रहा। ओए ये क्या कर रहा है तू? बुनू मजा आ रहा है। इधर रहेगा, कल नहीं चुड़ा करोगे? नहीं भाई, नहीं भाई जो गोदी में होता बच्चा बैठाए बच्चे का प्यार करके। और अब मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आपके पास है मार्बल का मंदिर और अगर आपको चमकाना है, एकदम चकाचक कर रहा है, थोड़ा गंदा हो गया है, येलोइश हो गया है, तो उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है या तो टूथपेस्ट या शैम्पू, और सर्फ यूज़ नहीं करना। तो मैं ये ले रहा हूँ क्लिनिक प्लस वाला शैम्पू, जो मतलब कोई भी शैम्पू अपने घर में जो होगा ना वो आप यूज़ कर लो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पहले कैसा है वो मंदिर, और अभी जब मैं साफ़ करूँगा ना उसको, तो फिर वो कितना साफ़ हो सकता है इससे। ये रहा हमारा मंदिर, ये देखो भाई, अभी ये ऊपर से देखो, यहाँ थोड़ा सा ये काला दिख रहा है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये वाला देखो, ये इसका दूसरा हिस्सा है, एक तीसरा हिस्सा भी है इसका, तीसरा हिस्सा ये रहा। तो इसको भी अभी हम धोएंगे, ये चमक जाएगा। ये धोते हैं कंचन में,
टेंशन नहीं लेनी है। अब सब भी खत्म हो गया ना मैं। ये हाँ। और आज भी दिया मेरा भाई। ये करण चमका रहा है, मैं धो रही थी लेकिन मेरे को धोने नहीं दिया, कह रहा मैं तेरे से ज्यादा अच्छा धोऊंगा। ये पहले सफाई वाला था। ये बना मिलता। करण नहीं चमका रहा है यहाँ पे मंदिर। ये भी तो साफ करना है, ये देख कितना गंदा लग रहा है। क्योंकि जब इसको हम मंदिर को लेने गए थे तो उन्होंने बोला था इसको सर्फ से नहीं धोना, ठीक है, इसको या आप धोओ कि जो टूथपेस्ट होता है उससे धो, या फिर धो शैम्पू से। तो ये आपका जो मंदिर है एकदम वाइट रहेगा, ये पीला नहीं पड़ेगा। और अगर आपने इसको सर्फ से या साबुन से धो दिया तो ये मंदिर पीला पड़ जाएगा। इसलिए हम, तो आपके पास भी अगर मार्बल का मंदिर है तो आप भी एक बार ऐसे धो के देखें, तब इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यार पूरा बताना पड़ता है, ऐसे तो बताते करण। और देना इसमें क्या दूँ, ले लो ना अपने आप। ये देख लो भाई चमक गया है, मतलब पहले से और अभी में देखो कितना फर्क आ गया है। ये देखो पूरा यहाँ से काला हुआ पड़ा था ना, ये साफ हो गया पूरा, यहाँ पे भी पूरा साफ हो गया, ये भी पूरे साफ हो गई है, और ये पत्थर भी पूरा साफ हो गया, सेकंड हिस्सा भी है, ये भी देखो कितना साफ है। तो भाई ऐसे ही साफ कर लेना अपना अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। ये वाला भी देख लो भाई हिस्सा जो मंदिर का है, ये ना अलग अलग पार्टीशंस में ही लिया था हमने। ये देखो एकदम चकाचक हो गया, ये देखो पूरा मतलब साफ हो गया अच्छे से, कहीं से भी मतलब पीला नहीं दिख रहा होगा अब आपको ये। सो भाई मैं नहा लिया हूँ और इसने आने पूजा कर दिया, अभी देखो कितना अच्छा मंदिर लग रहा है, दिखाता हूँ और मस्त। ये देखो हमने नए कपड़े भी लेके आए थे हम माता जी के लिए, शायद ये वही है, मैं पूछता हूँ। और ये देखो एकदम बढ़िया भाई, अब सही लग रहा है, चमक रहा है अब मंदिर भी, भगवान जी भी, और जय माता दी। ये रही नमकीन, ये खाएगी स्नेहा, अभी उसका फास्ट है क्योंकि हम तेरे लिए ये लेके आए हैं। गुप्पू लग रही तू, तो मैं गंदा नहीं दिखा रही, मैं कहूँगी भी नहीं करी अभी। कोई नहीं मैं खाऊंगा खीर, ये थोड़ी नमकीन मैं भी खा लेता हूँ, ये एप्पल, ये दे भाई ये एप्पल खा रही है, ये नमकीन खा रही है, ये बुनू को खाना रखा मैंने कहा ये मत खा जी हो। फिर चलेंगे। स्माइल प्लीज, ही। सो भाई हम निकल लिए हैं वापस से स्टूडियो की तरफ, और ये देखो फास्ट चल रहा है, ये खाए जा रही है यार। मैं यही तो डालूंगा मैं तो, फिर दूंगी नहीं उन्हें डालेगा। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं भी खा लेता हूँ एक थोड़ा सा। मस्त, मजा आया भाई खा के फास्ट वाले चिप्स। इसमें सिर्फ साबुदाने के ये और नमक है, बाकी कुछ मसाला नहीं है। मेरे को तो कुरकुरे अच्छे लगते हैं भाई, मैं कुरकुरे ही खा लेता हूँ, या लेज खा लो उसमें मजा आता है। हम नहीं जोड़े भाई, मैं खा लूँगा, मेरा थोड़ी फास्ट है। मैं तो खाता हूँ भाई, खाने वाला फास्ट होता मेरा। और अभी हम रुके हैं भाई रोहिणी अवंतिका मार्केट में, फर्नीचर मार्केट में, यहाँ से हमें कुछ ड्रॉअर देखना है, तो वो भी स्नेहा पता करने की है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। एक बार आगे और पता करो, यहाँ पे महंगी दे रहे हैं। महंगा दे रहा है, ठीक है, तो 2800 की बोल रहा है ये भी। पर ये देखो भाई, ये बूनू खा रहा है अपनी स्टिक यहाँ पे गाड़ी में बैठ के, इसको भूख लग गई है, ये कह रहा है भैया अब मैं खाऊंगा, अब तुम्हें जो बोलना है वो बोलते रहो। गया नीचे और देखो ये नीचे बैठता है, इसी जगह है, पहले सोने की कोशिश कर रहा था गाड़ी में, अब ये इसको भूख लगी है तो इसने अपनी स्टिक ढूंढ ली, स्टिक लगा पड़ा खाने में। बोलो अंधेरा हो गया भैया गाड़ी में। ये आओ भी लाइट बुनो, क्या खा रहा है तू बुनो? बहुत क्यूटू है ये हमारा बेटा, बहुत क्यूटू। ये नहाया ना तो और क्यूटू लग रहा है ये, इसकी दो चोटियां बनाई है मैंने, उन्हें बहुत क्यूटू लगता है चोटी में। देखेगा नहीं, अब खाने में मस्त है।
बुनू, ओ बुनू। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टूडियो और कम से कम हमें जो आने में ना 3-3.5 घंटे लग गए। थोड़ा कुछ सामान भी लेना था और हम लेके आए एक ड्रॉर। कौन से वाला ड्रॉर लेके आए ना, ये काफ़ी दिन से स्नेहा को चाहिए था क्योंकि इस पे रखना है मंदिर। और मैं दिखाता हूँ, ये सेम लगेंगे आपको, एक ये रहा एक पीछे वाला है। तो ये वाला जो है वो हम लेके आए हैं अभी, और अभी इसके ऊपर ना हम मंदिर रखेंगे। क्योंकि पहले क्या था, हमने उस टाइम पे जब मंदिर लिया ना, तो हमने सोचा कि यार ये खर्चा क्यों करना फालतू का। तो हमने क्या किया, किचन में ही ना एक थोड़ी सी स्पेस में रख दिया था मंदिर को। बट वहाँ से क्या होता ना, एक तो शेल्फ जो है उस पर जगह थोड़ी सी कम रह गई, साथ में उसका एक जैसे मंदिर रखा ना हमने शेल्फ पे, तो ऊपर ड्रॉर लगी हुई है किचन में, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कम था। और वहाँ पे मंदिर का एक हिस्सा जो है ना वो उसके ऊपर रखा ही नहीं गया। अभी पूरा कैसे रखे जाएगा ना वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो हमने नहीं रखा था अभी तक। हमने थोड़ा जुगाड़ कर दिया था, थोड़ा हमें अभी फ्रिज को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। और फिर साइज़ का भी काफ़ी इशू था कि हमें थोड़ा बड़ा ड्रॉर मिल रहा था, बट आज बाय चांस हमें ना एकदम सही साइज़ का ड्रॉर मिल गया, तो इसलिए मैंने कहा चलो लेके आते हैं। और भी एक दो चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन करेंगे, तो क्या क्या करेंगे ना भाई पूरी वीडियो में मैं बताता रहूँगा। अभी तो मतलब 7 बज गए हैं, तो अभी हम चीज़ें सेटल करना थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे। फिर एक दो चीज़ें मैं मार्केट से लेके आऊँगा, होपफुली शॉप बंद नहीं होगी, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। और वो क्या लेके आऊँगा ना वो भी बताऊँगा। बेटा बुनू, बुनू को लगी है भूख, और ये देखो ये खा रहा है शकरकंदी और अपनी खिचड़ी, और इसके दो एंटीना देखो। एक जियो का एक एयरटेल का है। बुनू के दो एंटीना है भाई। बुनू को बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत भूखी लग रही थी इसको। ये वाले ड्रॉर जो है यहाँ पे रख दिए, और ये फ्रिज देखो हमने इधर खिसका दिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा फिर से सेट करके रखेंगे, देखते हैं कि किसकी जगह कहाँ बनती है और कितने उधर तक हम इसको लेके जा सकते हैं। है गंजन मंदिर हमने धो दिया है, ये वाला भी, ये भी मार्बल का ही है हमारा। अभी ये देखो इसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछाया है, क्यों स्क्रैचेस ना पड़े, और थोड़ा सा ना सही रहता है, खिसकता नहीं है इससे जो मार्बल है ना वो इस पर खिसकेगा नहीं। और अभी इसके ऊपर रखते हैं हम इसको, ऐसे पकड़ना फर्स्ट वाला हिस्सा ये ले, ये सही है। सही है ना। थोड़ा पीछे खिसका दो और बस, वो तो कोई नहीं बाद में भी हो जाएगा, बाद में नहीं होएगा ना, हो जाएगा ठीक है। हो जाएगा वो तो सीधा, कोई नहीं। और ये ड्रॉअर देखो अब सही लग रही है भाई, इसके नीचे सामान रख लेंगे, ये वाला किचन अपने लिए यूज़ कर लेगी, वो भी अपने लिए यूज़ कर लेगी। ये मंदिर पहले ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब ये दो हिस्से, ये तीसरा जो है ना ये साइड में रखा हुआ था क्योंकि जगह नहीं थी। आज हमने ये पहली बार ऊपर रखा है, और ये देखो ये इसको साफ करेगी, होगा ही नहीं मुश्किल से, यहाँ पे वो कर लेंगे ना पेंट कर देंगे। ये यहाँ पे था बेसिकली, क्या है ना इसके ड्रॉअर के बीच में, इसके बीच में जगह नहीं थी इसलिए हमने ये हिस्सा नहीं लगाया था। अब ये इस पे परफेक्ट लग रहा है। एक और भी है इसका हिस्सा, यार ये तो फिर रह गया ना, यही है ये तो फिर रह गया। ये देखो इसका काम, देखो इसका काम, वैसे तेरे को बोला था ना पहले ये लगा दे, ये इसके ड्रॉअर के लिए ये जो पार्ट है ये पहले लगता है। ये पूरा मंदिर इसने घर पे भी ऐसे किया, पूरा मंदिर लगा दिया, फिर ये रह गया, ये रह गया, मैंने अकेले उठा दिया। अब बना है पूरा मंदिर, ये हिस्सा तो भाई हमने पहली बार यार रखा है इसके ऊपर, और ये वाला भी, पहले सिर्फ एक ये हिस्सा और एक ये जो है पार्ट है मंदिर का, हमने सिर्फ यही रखा हुआ था। आज हमने पूरा मंदिर रख दिया, और ये जो है ना ये पहले मंदिर यहाँ पे लगा हुआ था हमारे पहले पुराने वाला, वो कौन सा वो भी दिखाऊंगा। तो ये उससे थोड़ा सा ऐसे हो गया है खराब सी, इसको हम पेंट कर देंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। फिर ये सबसे स्टार्टिंग में ना ये मंदिर लगाया था हमने, सबसे पुराना जब हम यहाँ पे आए थे ना तब हम लेके आए थे ये मुनिरका से, और ये मंदिर हमारा बहुत फेवरेट है, ये अभी तक ना हमने रखा हुआ है संभाल के। सो भाई मैं अभी घर से निकल लिया हूँ, और मैं जा रहा हूँ सेकंड काम करने, क्योंकि पहला जो था मंदिर का था वो आज हो गया है। सेकंड काम ये है कि बेसिकली जिसमें टुक टुक रहता था वो वाला एक्वेरियम खाली पड़ा हुआ था घर पे, तो उसको देख के ना बड़ा अजीब लगता है कि यार इसमें टुक टुक था, बड़ी याद सी आती है, और वो खाली रखा हुआ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको स्टूडियो ले जाऊं और वहां पे इसको रख लूं, इसके अंदर ना कुछ छोटे फिशेज या जो भी अच्छी होंगी ना वो एक दो जितनी इसके अंदर अच्छे से रह सकती है वो मैं रख दूं। एक्वेरियम को मैं देना नहीं चाहता, मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं ये एक्वेरियम चेंज करके मैं दूसरा लगा दूं, और ऐसा भी कुछ प्लान नहीं था कि मैं स्टूडियो में एक्वेरियम रखूं, बट वही है ना कि ये खाली रखा हुआ है इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो आज मैं इसको लेके आया हूं। अभी हम निकल रहे हैं, मैं बुनू को नहीं लेके आया, पहले उसका भी प्लान था कि मैं उसको भी लेके जाऊंगा, बट फिर मैंने कहा तू यहीं पे रह ले और थोड़ा सो भी लेगा, क्योंकि दिन में वो सोया नहीं था, नहाया है आज तो उसको बड़ी नींद आ रही थी। और अभी जो है मैं
जा रहा हूँ मालवीय नगर, मालवीय नगर से ही मैंने ये बनवाया था, तो उसके बाद जाएंगे भैया के पास, उनसे पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सी फिश अभी डल सकती है अच्छे से, जो रह सकती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड वाटर वाली हो। सो मैं एकदम मतलब मन बना के, मैं मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मैं ये ऐसा करूँ या ना करूँ, दोबारा से रखूँ या ना रखूँ, बट फिर मैंने बना लिया कि चल ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, केयर तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है, और फिशेज़ की थोड़ी बस ये थोड़ा सा रहता है कि उनको छोड़ के जा सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि हमेशा साथ में लेके जाना है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा कि भाई अगर दो तीन दिन के लिए अगर मैं बाहर चले जाऊँ तो उसको कैसे रख सकते हैं, उसने मेरे को सारी चीज़ें बता दी, तो फिर मेरा मूड एकदम पक्का होगा कि चले यार मैं ये मतलब कर ही लेता हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं मालवीय नगर, और मैं आपको लेके चलता हूँ शॉप पे, पहुँच के देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सी फिशेज अभी अच्छी हैं और जो मार्केट में चल रही हैं। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ भैया के पास, और हमेशा मैं भैया के पास ही आता हूँ। ये रहे हमारे भैया जी, ये कह रहे कि टैंक यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, टैंक तो मेरे को आज ही लेके जाना है, क्योंकि मेरे को कल काम है, और फिर उसके बाद तो मतलब हफ्ता 10 दिन तो कोई शेड्यूल है नहीं। भैया ने बोला कि ठीक है भैया, अब तो करना ही पड़ेगा। और भैया के पास ना बहुत सारी फिशेज़ होती हैं, ये कई सारी हैं यहाँ पर, और बड़ी बड़ी फिशेज़ भी हैं, तो मैं पूछ लिया है कौन सी इसमें चल सकती कौन सी नहीं चल सकती। मैं दिखाता हूँ, वैरायटी दिखा देता हूँ, अपनी पसंद से पसंद कर सकते हो, भैया से बात कर सकते हो, और कभी भी चाहिए तो मालवीय नगर आ सकते हो। ये वाला एक्वेरियम है भैया के पास, लेटेस्ट एकदम सबसे बढ़िया जो है रखा हुआ, और ये बहुत बड़ा है। ये कितना साइज़ है भैया? 3.5 फीट का है, ये 3.5 फीट का है। नीचे इसमें कैबिनेट है, यहाँ पे सामान वामान भी रख सकते हो भाई, अच्छा लग रहा है। ये भाई ये छोटे साइज़ में भी रखी है, ये सबसे छोटा साइज़ है, ये बाउल भी है, और फिशेज देख लो। ये वाली मेरे को सबसे अच्छी लगी, ये मस्त है। ये कौन सी? ग्लो, ग्लो फिश बोलते हैं इसको। ये देखो कितने कलर्स हैं इसमें, ये सबसे बढ़िया लग रही है। और ये कौन सी? शॉर्ट बॉडी फ्लावरोन, और ये ऑस्कर, ये खतरनाक होती है। और दिखाता हूँ, ये एक टैंक जो है खाली रखा हुआ है, इसमें है बड़ी बड़ी शार्क, ये देखो कितनी बड़ी शार्क है। ये मैं घर वाले के लिए लेके जाऊँगा। और शकर कैट देखो इसमें कितनी बड़ी डाल रखी है भैया ने, ये उसमें सही रहेगी इस टैंक में। तो मतलब ये तो बहुत पिद्दू सा टैंक है, इसमें ये सब नहीं चलेगा, तो ये हमारा छोटे में ही सही है। और बाकी ये साइज़ भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये कितना? ये 2 फीट का है भैया जी? जी, 2 फीट वाला है, ये 1.5 वाला है, अच्छा लग रहा है। और ये रहे भाई, ये पता नहीं क्या है, ये तोते ही लग रहे हैं मेरे को तो, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। और ये रहे कुछ बर्ड्स और भी यहाँ पे मिल जाएंगे, ये रहे, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। साथ में ये रैबिट है, ये इसका छोटा सा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये गाजर खा रहा है। क्या नाम है इसका? कोकटेल नाम है। कोकटेल, वाह ये अच्छा लग रहा है। और ये वाले जो है ना तोते बताए थे, पर ये लव बर्ड से, ये इनकी शक्ल देखो इधर से। भैया निकाल रहे हमारे लिए मछलियाँ, हमने ये वाली ली है कलरफुल। अभी इसमें से कौन कौन सी दिए भैया? एक कलर भी दे दिए, ग्रीन में दे दिए, येलो में, पिंक में दे दिए भैया। अच्छा ठीक है, और इसके बाद लेंगे हम ये वाइट वाली शार्क, और कोई कार ये वाली होती है तो ये वाली भी लेंगे। ये तो मेरी फेवरेट है। और ये भैया ने पहले बोला था कि कल तक रेडी, मैंने कहा भैया आज ही चाहिए, तो भैया ने देखो कितना अच्छा इसको रेडी किया है भाई, एकदम मतलब गजब, और एकदम तसल्ली से काम किया भैया ने, कोई जल्दबाजी नहीं करी है इसमें। भैया कभी भी नहीं करते हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया, डिस्काउंट बहुत देते हैं आप हमारे भाई, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं भैया हर एक को। आएगी फ्रंट से लुक समझ, वो साइड से आ रही थी ना, अब फ्रंट से आएगी सबको समझ इसमें जो भी वीडियो देखेगा। ये देखो भाई, भैया ने सजेस्ट किया कि बुद्धा जी बीच में रख दो, मैंने कहा भैया आपने बोल दिया तो रख दो। और ये प्लांट्स भैया ने सजेस्ट करे, उन्होंने रख दिए, ये दवाइयाँ रख दी हैं क्योंकि ये इसमें डालनी होती है। हमने छोटा पैकेट खाने का ले लिया है क्योंकि बड़ा पैकेट आया वो घर रह गया शायद से, और फिल्टर जो है वो चल रहा था, लाइट जो है ये भैया ने रेडी करके दिया था तब से चल रही है। और इसके ऊपर ये जो है ये बैम्बू स्टिक वाली हमारे टॉप है, तो ये मैंने अपनी पसंद से ही बोला था भैया को कि ये वाली लगाओ, तो ये भी तब से ही चल रही है। और अब देखो पूरा एक अलग ही लुक हो गया इसका।
सो भाई अब चलते हैं घर की तरफ, और जिसको भी अगर फिश का कुछ भी काम हो ना तो भैया का नंबर डाल दूँगा, भैया को फ़ोन कर लेना, मालवीय नगर में आ जाना, एकदम प्राइम लोकेशन पे दुकान है और मेट्रो के बिल्कुल पास में ही है। जी जी, कुमार बस्ती में मुश्किल से 50 मीटर होगा। अब 50 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, आराम से आओ भैया, अपना सारी चीज़ें आपको बताएंगे, किसी को नॉलेज ना हो तो वो भी बता देंगे अच्छे से, और यहाँ से जो भी चाहिए ना भैया को बता दो, वो सब अरेंज करवा देंगे भैया। जी जी, तो अब चलते हैं, और भैया से मिलके बहुत दिन बाद मिला हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। अब आएंगे हम अगले हफ्ते, क्योंकि दूसरी फिशेज भी लेनी है ना। कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे आप आ रहे हो ना मालवीय नगर, हौज ईरानी पड़ता है ये, और नियर मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में है, तो यहाँ पे आपको ना और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे किसी को प्लांट्स चाहिए, किसी को डेकोर की चीज़ें चाहिए और गमले चाहिए किसी को, तो वैरायटी देख लो कितनी सारी है, शॉर्ट में दिखाऊंगा बट सब दिखा दूंगा। ये देखो इतने सारे गमले हैं यहाँ पे, काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी, ये देखो छोटे बड़े सब तरीके के गमले हैं, प्लास्टिक के भी हैं, और ये देखो अलग शॉप है तो इस पर भी मिल जाएंगे। ये आप हैंगिंग वाले भी ले सकते हो, ये भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये सारा चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, ये लाइव प्लांट्स हैं सारे, नर्सरी है, ये देखो कांटेक्ट कर सकते हो, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये वाली शॉप भी है नेक्स्ट, ये वाली है मिस्रो नर्सरी, और ये देखो कितने सारे हैं भैया के पास, प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, ये वाले भी है, फर्न है, ये क्रोटन बोलते हैं इसको, और भी देखो कितने सारे हैं, ये मनी प्लांट कितनी सारी लगा रखी है, और ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये कौन सा था भैया? इंथोनियम। ये सारे अच्छे प्लांट जो हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं रखे हुए, और इंडोर में भी है ना ये सारे? सारे इंडोर, ये सब इंडोर है। और मनी प्लांट कौन सी भैया इंडोर के लिए? ये वाली, ये वाली अच्छी होती है, अच्छी होती है ये वाली। ये जो पाम का पेड़ है ना ये बहुत बड़ा है, ये भैया ने बहुत जेन्युइन रेट बताया है, मतलब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि रेट जो है ना ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं ना भैया, कभी सस्ता आ गया कभी महंगा हो गया, वो सीज़न पे डिपेंड करता है, बट रेट जो है ना बहुत रीज़नेबल था। ये देखो कितना बड़ा है, इसका बहुत रीज़नेबल रेट बताया भैया ने, और आइडिया के लिए बता दो, मतलब 250 से स्टार्ट होके 250, 300, 350, 400, वो लेंथ पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है कितना नहीं है। और ये फर्न कितने सारी है भैया के पास, वैरायटी देख लो, ऊपर देखो कितनी सारी भैया ने वो मनी प्लांट लगा रखी है, सब अलग रेट में और सब अच्छी हैं एकदम बढ़िया। और ये मिट्टी के बहुत सारे बर्तन जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे, दिए हैं भाई, दिवाली आ रही है तो दिए भी सबको चाहिए, देखो कितने सारे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, और ये थोड़े फैंसी वाले भी हैं, ये देखो ये सबसे बड़ा दिया है जो है यहाँ रखा हुआ, और ये देखो ये आंटी हैं, ये देखो कितने सुंदर सुंदर दिए हैं, ये भी अच्छा है, दिवाली आ रही है तो आंटी सब खरीदेंगे, आंटी के पास है ना, और आंटी की दुकान ये है मुकेश गमला हाउस, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये देखो कितनी सारी वैरायटी है, अंदर भी बहुत कुछ है, और इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है ना, मतलब देख के कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ। डेकोरेटिव पीसेस देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, ये देखो गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बुद्धा जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, भाई मस्त वैरायटी है, डेफिनेटली विजिट करो एक बार, आओ देखो, और बहुत रीज़नेबल रेट में आपको सामान मिल जाएगा यहाँ से। ये रही काफ़ी सारी और भी शॉप, इस पर भी बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस आपको मिल जाएंगे, ये देख लो, वेरी गुड, ये हाथी अच्छा लग रहा है, ये हाथी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखो कितनी सारी चीज़ें अंदर भी रखी है। यहाँ पे सारे ये नकली पौधे भी मिल जाएंगे आपको रखने के लिए, ये छोटे छोटे जैसे कप चाय के लिए जो है वो मिल जाएंगे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये कितनी बढ़िया लग रही है भाई, ये देखो खाना पकाने के लिए कढ़ाई है, कितनी बढ़िया लग रही है। और ये रे बहुत सारे दिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फिर से, और ये नकली पौधे हैं यहाँ पे सारे, ये भी आप ले सकते हो यहाँ से,
अभी मैं दोबारा भी आऊँगा, ये गुल्लक है यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी मार्केट है, काफ़ी अच्छी पीसीज हैं यहाँ पे, डेकोरेटिव पीसीज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, प्लांट्स लाइव और जो आपके आर्टिफिशियल है दोनों बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये कुछ डेकोरेटिव पीसीज यहाँ पे भी हैं अवेलेबल, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो और आ सकते हो, एक बार विजिट डेफिनेटली करो। सो फाइनली मैं आ गया हूँ भाई घर पे, और अभी हम एक्वेरियम को कहाँ रखेंगे ना वो डिसाइड कर रहे हैं मैं और स्नेहा, और हमने अभी एक जुगाड़ लगाया है कि हमारे जो एक टेबल है ना जो हम नॉर्मली अपनी कुकिंग वीडियोस बनाने के यूज़ करते थे, अब उसको हम बाहर रख रहे हैं जिस पे हम रखेंगे एक्वेरियम को, और फिर देखते हैं कि उसकी जगह हम क्या और कोई टेबल मंगाते हैं, कोई कैबिनेट मंगाते हैं, क्या क्या करेंगे ना वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट अभी जो हाल फिलहाल की थी ना कि हाँ हमने उसको मतलब एक सही करा लिया है एक्वेरियम को और कहाँ रखना है ना वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये एक्वेरियम हमने यहाँ पे रख दिया है भाई, और इसके साथ ना ये जो दो दवाइयाँ होती हैं जो डालनी होती हैं, ये होती है एंटी इच और ये होती है एंटी क्लोरीन, तो ये दोनों हमने थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दी है, और फिल्टर अभी ऑन कर दिया है तो ये पूरा मिक्स हो जाएगी। जब आप पानी भर लेते हो ना तो उसके बाद ये दवाइयाँ ज़रूर डालो, और फिर इसको 5 मिनट मिक्स होने दो, उसके बाद ही आप इसमें फिशेज डालें। और साथ में मैं दिखा देता हूँ, ये एक जो डेकोरेटिव पीस है जो हमें इसके अंदर रखना है, अभी हम इसको इसके अंदर रखते हैं। ये देखो ये अपने आप ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उड़ के कहीं जाएंगे, ये बबल्स इसके बाहर आए और ये इसके अंदर पहुँचे। ये हमने इसमें रख दिया, अभी अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, लाइट ऑन होगी तब पता चलेगा। ये इसमें जो है डेकोरेशन के लिए प्लांट्स लगा दिए हैं आर्टिफिशियल, ये आप देख सकते हो, और अभी हम इसमें डालेंगे अपनी 5 मिनट्स बाद फिशेस। सो भाई एक्वेरियम जो है ना एकदम रेडी हो गया, और भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं आपको एकदम पूरी लुक दिखा देता हूँ। ब्रूनो पागल हो गया कि मुझे इनसे मिलना है। एक्चुअली ये जिस टेबल पे रखा है ना वो थोड़ी सी ऊंची है, और घर पे जहाँ रखा है ना वो थोड़ी नीची है, तो ये उन तक पहुँच जाता है, यहाँ ये उन तक पहुँच नहीं पा रहा था, वो रहा बहुत दुखी। और पहले आप लुक देखो एक्वेरियम का, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस हाँ साइज़ एक्वेरियम का छोटा है वो मुझे पता ही है, बट मैंने जैसे बताया था कि एक्वेरियम चेंज करने का मेरा माइंड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मेरा मन भी नहीं है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग जो फिशेस जो सिलेक्ट करी है वो कौन कौन सी करी है ना वो भी इसके अंदर आप देखो आराम से, और बूनू का तमाशा देखो क्या कर रहा है। ये रहा बूनू, और बूनू बहुत दुखी हो रहा है कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, मेरे को दो ये निकाल के दो, ये मेरे को कूदने दो, या जैसे भी जो मर्जी। सो ये देखो भाई एक्वेरियम की लुक देख लो, वाह। अभी ये पानी और ज़्यादा साफ हो जाएगा, ये देखो फिशेस देखो इसमें, ये शार्क आ गई, और पीछे देखो वो रही छोटे वाली कलरफुल वाली जो घूम रही है, और गुनू को देखो गुनू क्या कर रहा है, गुनू गुनू पागल हो गया तू, भाग गया अंदर। ये देखो 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 गुनू कितना दुखी हो रहा है, गुनू कितना पागल हो रहा है, ओए इधर आ जा, ले ले क्या चाहिए, ये चाहिए इसको, ये देखो ये कूद गया पीछे। भाई लुक मेरे को ना बड़ी अच्छी लग रही है और मस्त लग रहा है एकदम। सो भाई आज का जो दिन था ना वो एकदम बिजी वाला था, और मतलब पूरा दिन ना हमें कुछ और कुछ काम करने का टाइम नहीं लगा, बस जो चीज़ें पेंडिंग थी ना वो सब हमने ख़त्म करी है, और अभी हम सोएंगे टाइम से क्योंकि सुबह स्नेहा की क्लास है, मुझे भी कुछ काम करना है, और कल का भी जो दिन है ना वो थोड़ा सा काम के लिए बिजी हमारा निकलने वाला है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी हुए हैं 12:30, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आज भी 1:30 या 2 बज जाए और अभी हम सो जाते हैं टाइम से, ताकि सुबह फ्रेश फ्रेश लगे, ये ना हो कि लेज़ीनेस रहती है, अगर लेट सोओगे फिर जल्दी उठ जाओ ना तो भाई नींद भी आई रहती है, मुझे तो थोड़ी सी अभी भी आ रही है। सो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और अब आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन पे एक नई शुरुआत के साथ, और तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको टाटा बाय, सी यू एंड गुड नाइट।